नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। लालू प्रसाद यादव का नाम आते ही सियासत गर्मा जाती है। सोमवार को लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना आए थे। उन्हें कोर्ट में पेशी होनी थी चारा घोटाला मामले को लेकर। मंगलवार को वो कोर्ट में पेश भी हुए थे और उन्हें पेशी से राहत मिल चुकी है। 30 नवंबर को उनकी अगली सुनवाई है और कल 24 नवंबर को वो राजद की रजत जयंती के समारोह पर 4 साल बाद आरजेडी के कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने लालटेन का अनावरण किया था। एक और जहां आरजेडी ने जेडीयू पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि 15 साल बेमिसाल नहीं, 15 साल बेहाल है, तो वहीं जेडीयू के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आरजेडी अभी भी लालटेन की लौ में जी रही है और जेडीयू बल्ब जला रही है। जेडीयू आरजेडी से कई गुना आगे है। वहीं आपको बता दें कि अब जेडीयू के एमएलसी आरजेडी पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब बुधवार को लालू प्रसाद यादव पटना की सड़कों पर अपनी पुरानी जीप को चलाते हुए नजर आए, इस पे जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव के पास लाइसेंस है, वो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से उन्हीं के अंदाज में पूछा है, जीप चला रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? अब देखना यह है कि लालू प्रसाद यादव पर केस होता है कि एक तो पहले ही लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्या अब दूसरा केस यातायात उल्लंघन को लेकर होगा। नीरज कुमार वही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि 60 साल के अधिक के उम्र के वाहन चालकों को 5 साल पर लाइसेंस का नवीकरण कराना पड़ता है, संभवतः वे बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि राजद अध्यक्ष ऐसी पुरानी गाड़ी को चला रहे हैं जिसे नियम के अनुसार सड़क पर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा उनकी गाड़ी में सीट बेल्ट भी नहीं है। देखने से लगता है कि सीट की निर्धारित संख्या से अधिक लोग उनकी गाड़ी में सवार हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।